हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक हियर विद माय न्यू रेसिपी जिसका नाम है मटन चॉप फ्राई। जी हाँ, मटन के चॉप बनाएंगे आज, तो देखते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, आप लोग प्रेशर कुकर ले सकते हो, उसमें मटन के चॉप्स ऐड करेंगे, मीन्स मटन के चॉप। अनियन ऐड करेंगे हाफ, बहुत छोटा सा अनियन था वो भी मैंने हाफ ली हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें वाटर ऐड करेंगे और प्रेशर कुक करेंगे, 4 सीटी लेनी है प्रेशर कुकर में इसको, या फिर जब तक ये गल ना जाए तब तक पकाना है। तो 4 सीटी के बाद मेरे चॉप्स बन के रेडी थे, मीन्स बॉइल होके रेडी थे। अब इसका मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो सब उसके लिए सबसे पहले लेंगे 1/2 कप दही, दही पतला होगा चलेगा। उसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्वांटिटी स्क्रीन पे भी है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर क्रश लेंगे 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। रेड चिली पाउडर कश्मीरी रेड चिली पाउडर थी इसलिए मैंने ज़्यादा ली थी, वो स्पाइसी नहीं होती। राइस फ्लावर लेंगे 1/2 कप और अच्छे से मिक्स करेंगे। वाटर ऐड करेंगे, स्लोली ऐड करना है और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का मैरिनेशन बना के रेडी करना है आप लोगों को। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मुझे 1/2 कप यहाँ पे वाटर लगा था, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब ये पूरा मैरिनेशन हम लोग चॉप्स में ऐड करेंगे जो हम लोगों ने बॉईल करके रखे थे। अच्छे से मसाज करेंगे और 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स नहीं है तो 10 मिनट्स के लिए रखिए, पर रखिए ज़रूर। अच्छे से मसाज करना है, मैरिनेशन पूरा कोट हो जाना चाहिए चॉप्स पे। डीप फ्राई करेंगे तो उसके लिए एक पैन में मैंने ऑयल ली हूँ। 1 by 1 चॉप्स को उसमें ड्रॉप करेंगे ऑयल में, एक साथ पूरे नहीं ड्रॉप करना है, फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। थ्री टू फोर मिनट्स के बाद इसको टर्न करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 मिनट्स में आपके चॉप बन के रेडी हो जाएंगे, मीन्स फ्राई होके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड थे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। टर्न कर करके देखना है पक रहे हैं या नहीं, अच्छे से कुक हो रहे हैं या नहीं पूरे साइडों से भी। एक बार ये डन होने के बाद हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में और वैसे ही सारे चॉप्स फ्राई कर लेंगे। आइए प्लेटिंग करते हैं। मैंने चॉप्स के बोन पे सिल्वर फॉइल रैप करके रखी थी, अगर आप लोगों को नहीं रखना तो स्किप कर सकते हो। ग्रीन चिली टमाटो और अनियन के साथ सर्व की थी मैंने इसको, आप लोग इसमें लेमन भी रख सकते हो। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा मटन चॉप फ्राई, तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।